कि हमने बेसिक नॉलेज ऑफ जैनिज्म को जो शुरू किया है उसके सेकंड सेमेस्टर में आ रहे हैं, अर्थात बाल विकास के दूसरे भाग के माध्यम से हमें आपको जानना है। इसका पांचवा लेसन जो संक्षेप में कल मैंने बताया था, स्थावर जीव, ये सब शब्द आपको किसी दूसरे ग्रंथों में नहीं मिलेंगे, केवल जैन ग्रंथों में ही मिलेंगे, कि संसारी जीव के दो भेद बताए, त्रस और स्थावर। मैंने बताया था आपको, जिनकी केवल एक स्पर्शन इंद्रिय होती है वह कहलाते हैं स्थावर, उनकी पांच भेद हैं। तो द ट्रांसमाइग्रेटिंग सोल्स आर ऑफ टू काइंड्स, द मोबाइल एंड द इमोबाइल बींग्स, दीज आर कॉल्ड एज त्रस एंड स्थावर जीवार रेस्पेक्टिवली। इन दिस लेसन पूज्य गणनीय ज्ञानमती माताजी हैज टोल्ड अस अबाउट स्थावर जीवास, द लिविंग बींग्स हैविंग वन सेंस आर कॉल्ड स्थावर जीवास। जिनके केवल एक इंद्रिय होती है वे स्थावर जीव कहलाते हैं। वर्डली सोल्स आर ऑफ टू काइंड्स, फर्स्ट त्रस जीव, सेकेंड स्थावर जीव। लिविंग बींग्स हैविंग वन सेंस आर कॉल्ड स्थावर, दिस लिविंग बींग्स कंसिस्ट ऑफ बॉडी ओनली विद द टच सेंस। एक इंद्री में भी कौन सी, स्पर्शन इंद्री ही कहलाती है। स्थावर आर ऑफ फाइव काइंड्स, फर्स्ट पृथ्वी कायिक अर्थ बॉडीड, जल कायिक वाटर बॉडीड, अग्नि कायिक फायर बॉडीड, वायु कायिक एयर बॉडीड एंड वनस्पति कायिक वेजिटेशन बॉडीड। अर्थ बॉडीड बींग्स आर दोज हुज इंटायर बॉडी इज मेड ऑफ अर्थ लाइक सॉइल, स्टोन, माइका, गोल्ड एक्सेट्रा। मिनरल्स डग फ्रॉम माइंस आर कॉल्ड अर्थ बॉडीड, बट व्हेन दे आर रिमूव फ्रॉम देयर ओरिजिनल प्लेस दे बिकम लाइफलेस। जब वो खान में जब तक होते हैं या जब तक पृथ्वी के अंदर होते हैं तब तक सोने की खान है, जब तक खान में सोना रहा, चांदी खान में रही या माइका वगैरह हैं, स्टोन है, पत्थर हैं, तो वो जीव कहलाते हैं, पृथ्वी का एक जीव कहलाते हैं। और जब उसमें से निकल जाते हैं तो वो अचेतन हो जाते हैं। सेकंड, वाटर बॉडीड बींग्स आर दोज हुज होल बॉडी इज वाटर बेस्ड लाइक आइस, हेल, ड्यू एक्सेट्रा। ये जो है बर्फ है, ओस है, ये सब चीजें जल कायिक कहलाती हैं। और जल जो कुएं के अंदर, नदी के अंदर, समुद्र के अंदर, नहर के अंदर, जहां भी होता है, बावड़ी के अंदर, जल कायिक कहलाता है। थर्ड, फायर बॉडीड बींग्स आर दोज हुज होल बॉडी इज फायर बेस्ड लाइक फ्लेम ऑफ द लैम्प, फायर, लाइटनिंग एक्सेट्रा। एयर बॉडीड बींग्स आर दोज हुज होल बॉडी इज एयर बेस्ड लाइक विंड, स्टॉर्म एक्सेट्रा। वेजिटेशन बॉडीड बींग्स आर दोज हुज होल बॉडी कंसिस्ट ऑफ वेजिटेशन लाइक ट्रीज, क्रीपर्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स एक्सेट्रा। फूल, फल, ये जब तक पेड़ में लगे रहते हैं, चाहे वो गेहूं है, चावल है, खेत में जब तक पेड़ में लगा रहता है तो वो वनस्पति कायिक कहलाता है, जीव कहलाता है। और जब उससे टूट गया, उससे अलग हो गया, तो वो अचेतन हो जाता है। ये सब पांचों स्थावर के बारे में आपको जानना है। भव्यात्मन, यू शुड नो दैट द मैक्सिमम साइज ऑफ द बॉडी ऑफ एन अर्थ, वाटर, फायर एंड एयर सोल इज एन इन्यूमरेबल पार्ट ऑफ ए क्यूबिक फिंगर। घनांगुल का असंख्यातवां भाग इनका मैक्सिमम साइज यानी आकार कहा गया, यानी कि ये आंखों से दिखते नहीं है, देयर फोर इट इज क्वाइट इनविजिबल, आंखों से नहीं दिखते। वी सी इट ओनली इन ए मास, टेक अ ग्लास ऑफ फ्रेश वाटर, एवरी ड्रॉप ऑफ इट इज ए मास ऑफ मेनी वाटर बॉडीज सोल्स। ये समूह के रूप में ही देखते हैं, जैसे पानी है, एक गिलास पानी हमने लिया, उसके एक बूंद के अंदर जैन धर्म के अनुसार असंख्यात जीव माने गए, और ये हमें आंखों से नहीं दिखते हैं। We see it only in a mass. Take a glass of fresh water. Every drop of it is a mass of many water bodies, souls.
the many minute animalculae seen under the microscope are foreign or other souls. They are not water-bodied souls. Water-bodied souls have water, and that alone is the matter of their bodies. Similar is the case with earth, etc. souls. जैसे पानी के बारे में बताया कि उसको समूह रूप में जब लेंगे तो वो समझो कि जल कायिक जीवों का पिंड है, और जब उसे छान लेते हैं तो जल कायिक जीव उसमें से निकल जाते हैं। इसी तरह से वायु कायिक, वनस्पति कायिक और अग्नि कायिक, इन सब के बारे में जानना है। इन केस यू शुड नो दैट इन डे टू डे लाइफ वी हैव टू टेक केयर ऑफ द फाइव टाइप्स ऑफ स्थावर आर इमोबाइल टाइप ऑफ बींग्स सो दैट यू मे नॉट हार्म इन फ्यूटाइल इन डेली लाइफ यू हैव टू यूज अर्थ, वाटर, एयर, फायर एंड वेजिटेशन बट यू हैव टू बी फुल्ली कॉन्शियस अबाउट देयर यूज बियॉन्ड द नीड बिकॉज दे आर ऑल्सो लिविंग बींग जितनी आवश्यकता है उतनी ही वनस्पति को यूज करें, उतना ही पानी, उतनी अग्नि। बिना कारण यूज नहीं करें तो इसमें स्थावर जीवों की हिंसा से भी आप बच सकते हैं। यद्यपि गृहस्थ जो है वो किसी तरह से स्थावर हिंसा से नहीं बच सकता, लेकिन जितना कम से कम हो, जितनी आवश्यकता हो उतना करें, तो बहुत कम हिंसा के भागी बनते हैं। आवर तीर्थंकर्स एंड आचार्यज हैव टोल्ड अबाउट द लाइफ इन वाटर एंड वेजिटेशन एक्सेट्रा सिंस इटर्नल टाइम्स बट द साइंटिस्ट्स could establish these facts only in last century. बहुत दिनों से महावीर भगवान ने तो बहुत दिनों से कहा, लेकिन वैज्ञानिकों ने पिछले 20वीं शताब्दी में इन चीज़ों को अपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी इन फैक्ट्स को, वास्तविकताओं को जाना। तभी जल में कितने जीव बताए, एक बूंद में 36,450 जीव। वे जीव हमारे आगम की दृष्टि से असंख्यात जीव हैं, और वो जीव तो दिख ही नहीं सकते, माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिख सकते। By being kind to all these towers, you are also contributing to the environment protection, which is the main need of the present world. So you should practice the principle of non-violence towards all the towers as much as possible and fully towards trust beings about whom you will know in next lesson. हमारा दूसरा जो अगला लेसन आएगा, पार्ट आएगा, त्रस्त जीव का है। यहाँ तो हम केवल स्थावर जीव की बात हमने की है, तो जितना संभव हो सके उतना आप स्थावर हिंसा से भी बचें। You always listen that in Jains only filtered water is drunk. जैन समाज में क्या है, केवल छने हुए पानी को ही पीने की परंपरा है। The reason behind this is that by filtering the water becomes lifeless and then it is worth drinking. तभी वो छानने के बाद ही वो पीने के योग्य होता है। आज बहुत सारे लोग कह देते हैं ये फिल्टर वाटर, अरे मशीन से जो फिल्टर वाटर किया गया जैन धर्म के अनुसार वह तो जीव रहित नहीं होता है। Nowadays people use aquaguard for getting filtered water from the health point of view, but as far as Jain principle is concerned, it orders to filter water by double suitable cloth and due to jivani, that is to flow the filtered beings into their original source so that they are not harmed. So you should use filtered water only for drinking, bathing, washing, etc. This is the reason why you see channas tied on the taps in Jain homes or pilgrimages etc. आप तीर्थों पर भी जाते, तीर्थ क्षेत्र के लोगों का कर्तव्य भी है कि बाथरूम के, पीने के सब नलों में छन्ना जरूर लगाएं, और लगाते भी हैं प्रायः। और जो थोड़े भी विवेकी होते हैं तो अपने घरों में हर जगह नल में छन्ने का प्रयोग करते हैं। क्यों अनिल जी, करते हैं ना। अब कुछ लोग क्या है कि इसमें दलील देने लगते हैं कि छन्ना कभी धुलता नहीं है तो उसमें जीव की हिंसा हो जाती। नहीं, आप कम से कम छन्ना पानी तो पी सकेंगे, और कोशिश करें तो उस छन्ने को भी निकाल करके उसके ऊपर छन्ना पानी उल्टा करके डाल करके, और जहाँ से आपने नल से या
बोरिंग से पानी लिया है वहीं पर भी डाल करके एक देश रूप से तो जीवाणी के द्वारा हिंसा से बच ही सकते हैं. यू विल आस्क मी द क्वेश्चन दैट इफ देयर इज लाइफ इन वेजिटेशन देन हाउ वी कैन कंज्यूम वेजिटेबल्स फ्रूट्स ग्रेन्स एक्सेट्रा. कोई प्रश्न करेगा कि जब सब में जीव है तो हम अन्न वगैरह कैसे यूज करें. तो मैंने आपको बताया है कि टूटने के बाद पेड़ से अलग होने के बाद वो पूरी तरह से लाइफलेस अर्थात अचेतन हो जाता है. इसलिए हम उसको यूज करते हैं. इन फैमिली लाइफ यू कैन नॉट अवॉइड द वायलेंस ऑफ स्थावर बींग्स फुली बट यू हैव टू ट्राई टू लिमिट इट अप टू लोएस्ट लेवल. कम से कम जितना हमसे हो सके उतना तो बचे. हम सोचें कि बच ही नहीं सकते तो पूरी हिंसा करते रहें, ऐसा नहीं करना है. तो स्थावर जीव का जो लेसन आपने पढ़ा है, भगवान महावीर का जीव भी मिथ्यात्व के कारण आग का पेड़ हो गया. पूर्वों को अगर उनके पढ़ेंगे हम तो कई बार वो पेड़ हुए, नरकों में गए और ऐसे करके न जाने कितने दुख उठाए. तो उसका मूल कारण बताया मिथ्यात्व, यानी जिनेंद्र भगवान के वचनों में श्रद्धा नहीं करना या जो वचन कहे गए उन पर उल्टा श्रद्धा करना, यही है मिथ्यात्व. इसलिए भव्यात्माओं हम लोगों को मिथ्यात्व छोड़ना है, सच्चे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा करना है. और चिनवाणी का एक शब्द भी हमें नहीं अच्छा लगा हमने नहीं माना, ये कोई बात नहीं है. हमने कुंद कुंद को माना तो हमें कुंद कुंद की सारी बात माननी पड़ेगी. हमने उमा स्वामी या समंत भद्र को माना तो उनकी सारी बात माननी पड़ेगी. तो मैं आज इस पाठ को समाप्त करूंगी और आपको यही कहूंगी जितना बच सके आप बचें, लेकिन त्रस्त हिंसा से पूरी तरह से बचिए.